आ गए अपनी K35 V8 के पास। ले भाई ये ले जी। ये देखें बॉयज, ये फ्रेम निकला है FX का हमारे। मैंने कुछ नजर आता रहता है, आप लोग इसकी प्राइस पूछते हैं। बॉयज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, क्या हाल है? आप लोग सब फिट हैं? आप लोग सब सेट हैं यार? अच्छा बॉयज, आज का सीन ये है कि हम अपनी जीप ले आए हुए डेंटर के पास। इसका वो काम करेगा, टैंकी पीछे शिफ्ट करनी है, यहाँ पे सीट के नीचे है। फर्दर उसके अलावा K35 हमारी होगी हुई है स्टार्ट, उसकी जाके हम ड्राइव लेंगे और आप लोगों को साथ रखेंगे V8 वाले मंडे बॉयज। अच्छा उसके बाद फिर हमारा जो सीन है वो ये कि यार एक आधा और प्रोजेक्ट आ रहा है हमें। ये आप लोगों का प्यार है बॉयज, ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहें भाई के साथ, आपका भाई ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाता रहेगा। तो बॉयज आज व्लॉग स्किप करने का आप लोगों का बिल्कुल नहीं बनता, तो साथ जुड़े रहें भाई के। हाँ K35 पे भी काम हो रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ, रोज़ साथ रहें बॉयज। टैंकियाँ आ रही हैं, रख रख के देख रहे हैं कि कोई टैंकी हमारी पूरी आ जाए नीचे। अभी जो भी फाइनल होती है आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को बोर नहीं करते। बोले बॉयज हम लोग निकल रहे हैं बिलालगंज के सफर को। रीज़न ये है कि यार ये टैंकियाँ कोई भी यहाँ वाली पूरी नहीं आई। पहले तो बिलालगंज साइज़ ले लिए, बिलालगंज जाके साइज़ सारा चेक करेंगे, कोई चल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर हम इसकी कस्टम टैंकी बनाएंगे। तो जा रहे हैं बिलालगंज, वहाँ पे आपको K35 की ड्राइव भी देते हैं, तो साथ जुड़े रहे ब्लॉग। पहुँच गए बिलालगंज अपने एक भाई हैं उनके गोदाम पहुँच गए, और आते साथ यार यहाँ पे मुझे हर एक सीट की सीटें नज़र आ गई हैं यार। मैंने कुछ ना कुछ नज़र आता रहता है, आप लोग बता भी इसकी प्राइस पूछते हैं, अगर सस्ती मस्ती मिलती है तो उठा के साइड पर कर लेते हैं, हमारे तो काम की चीज़ है आपको बताइए। बाकी अभी टैंकी कह रहे हैं N1 की फाइबर की कोई टैंकी पड़ी हुई है, कह रहे हैं साइज़ छोटा ही है, इंच से भाई के पास है, वो रख के नापते हैं टैंकी, अगर ठीक होती है तो उठा लेते हैं और फिर सीधा पहुंचते हैं हम लोग किधर भाई, अपनी K35 V8 के पास। तो टैंकी वाला काम तो हम करते रहेंगे साथ साथ। अब आ गए अपनी K35 V8 के पास, पेट्रोल लेकर आए हैं, इसका चैम्बर कर दिया हुआ है आसिफ ने, ठीक है, और फर्दर इसका पेट्रोल लीकिंग थी पीछे से वो भी कर दी हुई है। अभी बस बच्चा पेट्रोल डालता है, तो इसको बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कहती क्या है, फिर ट्राई शाई वगैरह लेते हैं। और बाकी प्रॉब्लम कि एक बार गाड़ी का जाहिर सी बात है चैम्बर ठीक होना था, तो फिर बाकी काम होने थे, तो चैम्बर ओके है, ऑयल गाड़ी के अंदर डाल दी है अब हम लोगों ने, अब रहती है हमारी ट्राई, तो आप साथ जुड़े रहें। उन्होंने बैटरी लगा दी है, पेट्रोल शेट्रोल हमने डाल दी है, तो बस अब इसको स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह। ले भाई ये लें जी, पहले साल के ऊपर ये हमारा पेट्रोल अभी के अभी गया, क्यों जी गया अभी पेट्रोल बस तो बस ये मजे है जी V8 के। अब इसको इसकी वायरिंग वूरिंग हमें सारी सेट करनी है, तो सेट करते हैं और फिर बस सेट करते हैं। पीछे एक डॉग चाहिए ना, क्या लगाए हुए हैं, बड़बड़ बड़बड़ कर रही है गाड़ी, इसको सेट करना है हमने सारा का सारा, और बाकी बस अपनी गाड़ी लचपच करेंगे। बाकी यार V8 ने दिल खुश किया है सही। ये ले जी दिखाएं सर, ये देखें जी स्टिक साफ है, अब डालें अंदर दिखाएं। इसका चैम्बर लीक था आपको पता है, और चैम्बर की लीकेज सही कर दी, और ये लें जी अभी ये ऑयल जो डाला है इसको हम फ्लश कर देंगे, इसमें अच्छा ऑयल डालेंगे, क्यों जी? चलें जी बाकी भी इसकी वायरिंग वगैरह के रोले देखते हैं, क्योंकि गाड़ी खड़ी नहीं हो रही, तो बुलाते हैं कंप्यूटर वाले को, उससे सेट करवाते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं इसकी ट्राई पर साथ रहें। शानी भाई हमारे जायजा लेंगे इसका, उल्टा लगा हुआ था ये स्लो सेंसर इसका। आप जो हमने इसके काम करना है, फ्यूल एवरेज सेट करनी है, सारा कुछ करना है, देखते हैं क्या कहते हैं शानी भाई, फिर आपको बताते हैं, साथ रहें। इंजन कह रहे हैं अभी भी नहीं सही, एयर फ्लो सेंसर जो है हमारा वो इसका अपना नहीं लगा, वो उतारा है तो इंजन कुछ बेहतर हो गया, पर अब इसका ओरिजिनल एयर फ्लो सेंसर फाइंड करेंगे, इसका एयर फिल्टर प्रॉपर फाइंड करेंगे, उससे गाड़ी ये होगा कि अपनी जगह पे बैठेंगे। तो साथ रहें, वर्किंग करते हैं, आपको भी साथ रखते हैं अपने। मोटर ले आए हैं भाई, और अभी इसका सेंसर सेंसर का सारा रोला करते हैं। इस बिलालगंज से भी निकल आए, और उसका अपना V8 का जो काम है K35 का, वो इंशाल्लाह कल के दिन में होगा बाकी, क्योंकि उसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसका ECU, उसकी वायरिंग, जिनके पास पहले ही इन्होंने उसकी वायरिंग नहीं की गाड़ी की, बस उन्होंने स्टार्ट करके पकड़ा दी, तो उसके अंदर हम लोग पॉट निकालेंगे, जिसके अंदर इसका वो कंप्यूटर लगता है, जिसके ऊपर सारे इसके एरर्स वगैरह हर चीज़ आती है, वो पॉट निकालेंगे, गियर शिफ्टिंग करेंगे, पूरी प्रॉपर करेंगे बॉयज उसको। और इधर आ गए हम डेंटर के पास यार, वो नीचे जो मैं टैंक लगाना चाह रहा था वो मैं नहीं चाह रहा, कभी गाड़ी
ऑफ रोडिंग के ऊपर गई होती है तो वो कोई मसला मसाइल ना बने, मेरी लाइक गाड़ी कहीं लगे तो वो टैंक कहीं पे ख़राब ना हो। जहाँ जेन्युइन फिटिंग आई है मैंने वहीं रख दी है टैंक को। मेन मकसद ये था टैंक से शिफ्ट करने का कि सीटें नीचे हो जाए। अब भाई सीटें नीचे नहीं कर रहा भाई, इसकी स्क्रीन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ाने लगा। वो ये होगा कि चले हमारी गाड़ी का सामान जो है सारा भाई जेन्युइन का जेन्युइन रहेगा, स्क्रीन ऊंची हो जाएगी। स्क्रीन तो वैसे भी नहीं लगानी है, पूरी रीस्टोर करनी है, आपको पता है जीप हमने रीस्टोर करनी है प्लस मॉडिफाई करनी है, तो ये काम बड़े मज़े के होने वाले हैं। अभी ये बस स्क्रीन तार के साथ जी को देने लगा हूँ, इसके पाइप लंबे करेंगे और बाकी का काम वॉइस फिर हम करेंगे कल। अभी चलते हैं चुपटी, वहाँ जाके आपको एफएक्स की भी अपडेट दिखाते हैं, तो आप भाई के व्लॉग से साथ जुड़े रहें। पुरानी स्क्रीन आ गई इसकी बाहर, चलें जी ये फ्रेम अलग हो गया, फ्रेम की हाइट बढ़ाएंगे और इसका आप शीशा, यार शीशा बनवाएंगे अच्छा वाला ना, साइड मिरर्स भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, ऊपर की फिटिंग भी चेंज करें, तो आप लोग जुड़े रहें भाई के व्लॉग्स के साथ। तो अब निकल रहे हैं, वो फ्रेम पकड़ा दिया है, वो फ्रेम बना देगा सदीक भाई, उसको K35 को लगे हुए और बारिश शुरू होगी हुई है। अब आपका भाई मारेगा छुट्टी नहीं मारेंगे, जो मुझे ब्रेक मारनी है एफएक्स को देखते हैं, उसके बाद हम मारते हैं ब्रेक, साथ साथ हम अच्छा सा मौसम अपनी बाइक को इन्जॉय करते हैं। देखें बॉयज ये फ्रेम निकला है एफएक्स का हमारे, और नया भाई हमने कच्चा कच्चा करके रख दिया अंदर, टायर लगा के इसको चेक कर रहे हैं। ये देखें हमने लगा दी, अभी इसको यहाँ पे देखेंगे टायरों की मतलब हर जगह सेटिंग शूटिंग पूरी है तो फिर इसको पक्का कर देंगे, लग जाते हैं। ये देखें इधर भी लग गया फ्रेम, अभी कच्चा है, लड़का कह रहा है मैं पक्का करता हूँ, बस जल्द अज जल्द करते हैं कि यार ये गाड़ी हमारी रेडी हो जाए, तो आप भाई के ब्लॉग से साथ जुड़े रहें। और ये ले जी डैशबोर्ड की बारी आ रही है, खोल भाई अली इसका लीवर खोल रहे हैं, इसको पीछे करेंगे, स्क्रीन खोल रहे हैं, फिटिंग शिटिंग बनाते हैं डैशबोर्ड की सारी, और बस अब जल्दी जल्दी यार इस गाड़ी को भी हम लोग करते हैं कंप्लीट, क्योंकि अब इसके अब आगे वाला जो सीन है वो सारे अच्छे वाले सीन होने वाले। इसको रोड पे आने दें आप लोग, फिर देखें इसको रिमटार डालेंगे, गाड़ी बताएगी अपना आप लोगों को कि हाँ भाई कोई चीज़ रेडी हो गई। अपना गेज की चादर है जो कि एफएक्स और डैशबोर्ड फिट करने के लिए हम ले रहे हैं, काटने में देखें कितनी दुश्वारी कितनी मेहनत लग रही है, पर ये है कि हमारा डैशबोर्ड इसके बाद पूरा प्रॉपर हो जाएगा,